हेलो सेवन स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम हमारा साइंस का 10th चैप्टर देखेंगे, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। अब सारे ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो, एनिमल्स हो, जो भी हो, हम ह्यूमन बीइंग्स, हम सब रिस्पायर करते हैं, हम सब सांस लेते हैं, हमें वो ज़रूरी है, हम उसके बिना नहीं जी सकते हैं। तो व्हाई डू वी रिस्पायर, हम क्यों रिस्पायर करते हैं? बिना रिस्पायर के रह सकते नहीं, हम नहीं रह सकते। सेल इज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब जो सेल है वो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है कोई भी ऑर्गेनिज्म का। सारे सेल जो है वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन और भी जैसे रिप्रोडक्शन, ऐसे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये सारे फंक्शन के लिए सेल को एनर्जी चाहिए रहते हैं। तो एनर्जी, अगर जैसे हम ईटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग जो भी कर रहे हैं, हमें उस सब के लिए एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कोई भी काम कैसे करेंगे? इसके लिए सारे एनिमल्स को रिस्पायर करना ज़रूरी है और टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, तभी जाकर एनर्जी भी मिलेगी फूड में से। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर, अगर ब्रीथिंग के टाइम पे हम एयर को अंदर लेते हैं और जो एयर के अंदर ऑक्सीजन होते हैं, हम उसे ब्रीथ इन करते हैं और वी ब्रीथ आउट द विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और हम जो ब्रीथ आउट करते हैं एयर, हम लेते तो ऑक्सीजन है लेकिन हम जो ब्रीथ आउट करते हैं उस एयर में ज़्यादा क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो ट्रांसपोर्ट होता है पूरे बॉडी पार्ट्स में, अल्टीमेटली सारे सेल्स में। तो सेल्स में क्या होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं जो एयर को एयर में जो ऑक्सीजन होते हैं वो हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड को, फूड के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते। तो द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज इन एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के कहाँ टेक प्लेस होता है? सेल्स में टेक प्लेस होता है, ऑर्गेनिजम्स के सेल में। और जो वो सेल है उसमें जैसे कि फूड, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन होता है यूजिंग ऑक्सीजन। और ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसलिए उसे एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन यूजिंग ऑक्सीजन, फूड भी ब्रेक डाउन होता है, इसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड क्या रिलीज आउट करता है? एनर्जी रिलीज आउट करता है। सो यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में दिया है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। We should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. हमें पता है कि ये कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी ईस्ट जो बिना एयर का भी सर्वाइव कर सकता है, इसलिए उसे एनारोब्स कहा जाता है उस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को। उनको एनर्जी जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिलते हैं। इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन टू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में दिया है। जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता वहाँ ग्लूकोज क्या ब्रेक डाउन होता? कैसे फॉर्म में? अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी ब्रेक डाउन हो जाता है। आवर मसल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली, हमारे मसल्स भी रिस्पायर होते बट फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ टाइम के लिए। जब वहाँ पे टेम्परली डेफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की, तभी वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें हमारा मसल्स में देखने को मिलता है। ज़्यादा एक्सरसाइज करने में या तो फिर बहुत फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग और मैनी हावर्स के लिए अगर वेट लिफ्टिंग कर रहे बहुत ही ज़्यादा, तब ये डिमांड ऑफ एनर्जी जहाँ वहाँ ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन तो कम ही मिलता है, तो ज़्यादा एनर्जी, लेकिन एनर्जी तो लिमिटेड ही प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस होता है, जो मसल्स के सेल को फुलफिल करने के लिए वहाँ पे अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है फिर भी वहाँ पे वो मसल्स जो है वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज आउट करता है। कभी कभी देखा होगा कि मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने की वजह से। तो जो क्रैम्प होते हैं वो कब होते हैं? जब मसल्स के सेल जो है वो रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली, तब होते हैं। जो पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, तो वो लैक्टिक एसिड का अक्यूमुलेशन जो है वो मसल्स क्रैम्प में रिजल्ट करता है। हमें रिलीफ मिलेगा उस क्रैम्प से थोड़े कप अगर हॉट वाटर बाथ ले या तो मसाज करें तो हमें उससे रिलीफ भी मिल सकता है। क्यों हॉट वाटर क्यों लेते हैं?
क्यों मसाज की क्या जरूरत है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ऐसा रिजल्ट है तो उसके वजह से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होगा, फिर वहाँ पे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा तो मसल सेल्स इंक्रीज होंगे, तो इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेक प्लेस होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रीथिंग। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी को बड़ों के या तो टीचर के सुपरविजन में करने का यहाँ पे लिखा गया है कॉशन करके। देखो इसमें क्या बोला है, क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली और लुक एट द वॉच, वॉच में देखो और अपना नॉस्ट्रिल्स और माउथ बंद करने को कहा है और देखना है कि कितने टाइम हम सांस रोक सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते हम, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम कितने टाइम तक ब्रीथिंग के बिना रह सकते। अब ज़्यादा टाइम तो नहीं रह सकते, मोस्टली हार्डली 1 मिनट भी मुश्किल से हम बिना सांस लिए रह सकते। अब ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेटरी। ब्रीथिंग क्या होता है, एयर को लेना जो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है और रिलीज्ड आउट करना एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो भी टेकिंग इन एयर है रिच इन ऑक्सीजन हमारे बॉडी में उसे इनहेलेशन करते, और जो हम बाहर रिलीज्ड आउट कर रहे एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिच रिचली कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसे एक्सहेलेशन करते। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू आउट द लाइफ टाइम, थ्रू आउट द टाइम ये प्रोसेस चलता रहता है। नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एट ब्रीथिंग रेट, एक मिनट में एक पर्सन कितना ब्रीथ कर रहा है वो उसका ब्रीथिंग रेट कहा जाता है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अल्टरनेटली होता है, पहले इनहेलेशन देन एक्सहेलेशन। तो जो ब्रीथ मीन्स इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, ब्रीथ का मतलब होता है एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। जब भी एक पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है ही और शी ब्रीथ फास्टर, वो उनका ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है सेल्स को, और उसके वजह से क्या होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड एनर्जी रिलीज्ड आउट होता है तो उनको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जो उनको जब उनको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो वो इसलिए ब्रीथ फास्ट करते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं। इसकी भी एक मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। नॉर्मली हम जो एयर का हम टेक इन करते हैं नॉस्ट्रिल्स से, और हम जब उसे इनहेल करते हैं एयर को तो वो पास होता है हमारे नॉस्ट्रिल्स से नेसल कैविटी में पास होता है, फिर नेसल कैविटी से वो हमारे लंग्स तक पहुंचता है विंड पाइप के थ्रू, और लंग्स जो है वो हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पेज में वो फिगर में दिया गया है। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स में रिब्स इसे सराउंड किया है, और जो लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम होता जिसे कहते हैं वो एक फ्लोर फॉर्म करता है चेस्ट कैविटी में। ब्रीथिंग में मूवमेंट ऑफ डायफ्राम और रिब केज इन्वॉल्व होता है। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम इनहेल मतलब जब हम सांस लेते हैं तब रिब्स जो है वो मूव अप होता है और आउटवर्ड्स होता है, और डायफ्राम क्या होता है नीचे की तरफ मूव होता है, तो ये मूवमेंट इंक्रीज कर देता है चेस्ट कैविटी के स्पेस को और एयर उसके अंदर लंग्स के अंदर एंटर हो जाता है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, रिब्स मूव डाउन एंड एंड इनवर्ड्स वाइल डायफ्राम मूव्स अप इट्स फॉर्म पोजिशन। अब जब एक्सहेलेशन होती है तब रिब्स क्या होता है नीचे की तरफ मूव होता है और डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव होता है। दिस रिड्यूस द साइज, और इससे क्या हो जाता है चेस्ट कैविटी की साइज कम हो जाती है और एयर जो है वो लंग से बाहर हो जाता है। तो ये दो ये मूवमेंट है, एक है इनहेलेशन और एक है एक्सहेलेशन का। सी यहाँ इस पिक्चर में दिया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेसल पैसेज, ओरल कैविटी किसे कहते हैं, फैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, रिब्स, डायफ्राम सारे का यहाँ पे इमेज दिया है। इस इमेज से हमें इजीली जो हमने टॉपिक में पढ़ा वो समझ में आएगा इनहेलेशन एक्सहेलेशन। यहाँ दो एक्टिविटी दिया गया है और इसमें हमें इजीली समझ में आ जाए कि एयर जो है वो एंटर हो रहा है तो रिब्स मूव आउट हो रहा है और डायफ्राम क्या हो रहा है मूव्स डाउन हो रहा है, यानी जब इनहेलेशन यानी एयर अंदर जा रहा है हम सांस ले रहे तब, फिर जब हम सांस
छोड़ रहे, बाहर रिलीज आउट कर रहे एयर को, तब रिब्स जो है वो मूव बैक हो रहा है और डायफ्राम क्या हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों ऑपोजिट प्रोसेस है। तो यही है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट डू वी ब्रीथ, अब हम क्या सांस लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जिससे हमें समझ में आएगा कि हम क्या सांस लेते हैं। मोस्टली हम क्या सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन होता है एयर में वो हम अंदर इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज आउट करते हैं। यहाँ पे दिया है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो इनहेल और एक्सहेल हो रहा है, 21% ऑक्सीजन है लंग्स में और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो रहा है। 16.4% ऑक्सीजन है तो 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रीथिंग इन अदर एनिमल, अब दूसरे एनिमल्स में ब्रीथिंग कैसे होता है। एनिमल जैसे कि एलिफेंट, लायन, काउ, गोट एक्सेट्रा, ये सारे जो भी है, बर्ड, स्नेक्स, ये सबके लंग्स होते हैं उनके चेस्ट कैविटी में, हम ह्यूमन बीइंग्स के जैसे। लेकिन बाकी जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो कैसे ब्रीथ करते हैं, जैसे कि दे ऑल्सो हैव लंग लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो उनका अभी ये अलग है, ह्यूमन बीइंग से अलग है, तो वो लोग कैसे, जैसे कि कॉकरोच, कॉकरोच के स्मॉल ओपनिंग होते हैं उनके साइड्स ऑफ बॉडी में, अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग, और दूसरे इंसेक्ट्स के भी ऐसे ही सेम ओपनिंग्स होते हैं, उस ओपनिंग को क्या कहा जाता है, स्पिरेकल्स कहा जाता है। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया ऑफ गैस एक्सचेंज, फॉर गैस एक्सचेंज, इंसेक्ट में एक एयर ट्यूब्स होते हैं जिसे ट्रैकिया कहा जाता है, किसके लिए, गैस एक्सचेंज के लिए वो होता है। ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो स्पिरेकल्स के थ्रू एंटर होता है ट्रैकियल ट्यूब्स में और डिफ्यूज इन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, उनके बॉडी में वो डिफ्यूज होता है और हर एक सेल, उनके बॉडी के हर एक सेल तक वो रीच होता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग अलग सेल्स, पूरे बॉडी पार्ट के सेल्स से ट्रैकियल ट्यूब से फिर स्पिरेकल्स के थ्रू वो मूव्ड आउट भी हो जाता है। तो जो ये एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया है वो सिर्फ इंसेक्ट में ही पाए जाते हैं और कोई भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। सी यहाँ पिक्चर में दिया है ट्रैकियल सिस्टम। नेक्स्ट अर्थवर्म चैप्टर 9 में 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि अर्थवर्म जो है वो स्किन से ब्रीथ करते हैं, उनके स्किन से। तो जो उनका स्किन है वो कैसा होता है, मॉइस्ट और स्लिमी होता है अगर उसे टच करेंगे तो जो भी गैसेस कैन इजीली पास हो जाए, उससे गैसेस इजीली पास हो जाता है। दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग, दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। और ऐसे ही सिमिलरली फ्रॉग के पास हमारे जैसे दो लंग्स भी होते हैं, लेकिन वो अपने स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं जो मॉइस्ट और स्लिपरी होता है। नेक्स्ट वी विल सी ब्रीथिंग अंडर वाटर, पानी के अंदर कैसे ब्रीथ करते हैं। तो क्या हम पानी के अंदर ब्रीथ कर सकते हैं? नो, हम पानी के अंदर नहीं सर्वाइव कर सकते। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, तो वो कैसे ब्रीथ करते होंगे। तो 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि फिश जो है वो गिल्स से रेस्पायर करते हैं, तो और वो ऑक्सीजन कौन सा यूज़ करते हैं, जो पानी में डिजॉल्व हुआ होता है उससे। तो गिल्स का जो भी प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन है वो हमें तो ऐसा लगता है कि गिल्स से कैसे वो लोग ब्रीथ कर सकते हैं। सी यहाँ पे कैसा है उसका प्रोजेक्शन, यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है। तो जिसके वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स से, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जहाँ से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली होता है, इसके वजह से फिश जो है वाटर के अंडर में भी वो ब्रीथ आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं। यस, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे प्लांट भी रिस्पायर करते हैं। They also take in oxygen from the air and gives out carbon dioxide. वो भी oxygen लेते हैं और carbon dioxide released करते हैं। In the cells, oxygen is used to break down, और इनके cells में oxygen जो है वो glucose को break down करके carbon dioxide और water के form में लाने के लिए use होता है। In plants, each part can independently take in ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, प्लांट में सारे पार्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन एयर से ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट कर सकते हैं।
हमने फर्स्ट चैप्टर में पहले से पढ़ा कि जो भी लीव्स है प्लांट के उसमें टाइनी स्पोर्स होते हैं जो स्टोमेटा होते हैं, उससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सारे लिविंग सेल्स जैसे है प्लांट्स के, वैसे ही रूट सेल्स भी ऑक्सीजन जरूरत होती है एनर्जी के लिए, तो रूट जो है वो भी एयर को टेकअप करता है। एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स से, यहाँ पिक्चर में दिया है रूट कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, सॉइल पार्टिकल, रूट हेयर, एयर स्पेस, सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। सो इस चैप्टर से हमें यही पता चल रहा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिस्पायर करना, उनको रिस्पायर सांस लेना बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से उन्हें एनर्जी मिलेगी और वो सर्वाइव कर पाएंगे। सो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।